इंडिया के सामने पूरी शक्कर नहीं दे पाएगी साउथ अफ्रीका। कोहली और रोहित टीम नहीं है ना ही तो बुमराह और कुलदीप टीम है। अच्छा प्लेयर सब करके तभी अच्छा लगेगा। इस बार का T20 वर्ल्ड कप अपने नाम करेगी। भारत और साउथ अफ्रीका का फाइनल मैच आज है और मैच को लेकर काशी के साथ साथ पूरे देश में गजब का उत्साह है। अब तक भारत की टीम अजय रही है, लेकिन फाइनल में क्या कुछ होने वाला है, किस खिलाड़ी से सबसे ज़्यादा लोगों को उम्मीद है, हमारे साथ यहाँ पर कुछ क्रिकेट प्रेमी और खिलाड़ी भी जुड़े हुए हैं। सर पहले तो आप बताइए क्या लगता है मैच में क्या कुछ होने वाला है? जैसे आम भारतीय के तहत मैं भी यही उम्मीद करूँगा कि भारतीय टीम विश्व कप जीते, क्योंकि काफ़ी समय से हम फाइनल सेमीफाइनल खेल रहे हैं लेकिन फाइनल जीत नहीं पा रहे हैं। तो पूरी संभावना है कि भारत मैच कंडीशन, पिच कंडीशन और जो वहाँ के हालात हैं वेस्ट इंडीज़ के, ये पूरी उम्मीद की जा सकती है कि जो हमारी भारतीय टीम है बड़ी कॉम्पैक्ट लग रही है और वो इस बार वर्ल्ड कप जरूर जीतेगी। क्या लगता है साउथ अफ्रीका टक्कर वक्कर देगी? निश्चित तौर पर देगी, क्योंकि साउथ अफ्रीका के बहुत सारे खिलाड़ी IPL में खेलते हैं और उनको भारतीय प्लेयरों के बारे में पता ज़रूर है और वो भी एक टीम ऐसी है जो भारत की तरह अपराजय रही है इस पूरे टूर्नामेंट में। उन्होंने भी कोई मैच हारा नहीं है अभी तक, वो फाइनल खेले और जिस तरीके से अफगानिस्तान को उन्होंने आउटराइटली सेमीफाइनल में हराया, जिससे लोगों को बड़ी उम्मीद थी कि अफगानिस्तान बहुत टक्कर देगी, तो मुझे उम्मीद है कि फाइनल अच्छा होगा और भारत निश्चित तौर पर जीतेगा। क्योंकि किस खिलाड़ी से उम्मीदें ज़्यादा लग रही है? देखिए बेहतर प्रदर्शन ज़्यादा कर, रोहित शर्मा बहुत अच्छे टच में है, सूर्य कुमार यादव कंसिस्टेंट है, मुझे लगता है विराट कोहली का जो बेस्ट है वो आना बाकी है, तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि फाइनल में विराट कोहली बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे। बॉलिंग जो एक बहुत बड़ा मजबूत पक्ष है हमारा और उम्मीद है कि फाइनल में भी हमारी बॉलिंग अच्छी रहेगी। बुमराह अच्छा लीड कर रहे हैं, फ्रंट से लीड कर रहे हैं, कुलदीप अक्षर ने स्पिन अटैक में अच्छा किया है, जडेजा थोड़ा सा है लेकिन मुझे लगता है कि जडेजा का भी बेस्ट आना बाकी है, तो होपफुली जडेजा भी फाइनल में अच्छा करेंगे। बिल्कुल, देखिए सबको यही उम्मीद है कि पूरी टीम फाइनल में अच्छा प्रदर्शन करे। क्या लगता है आपको किससे बेहतर उम्मीद की आप? देखिए हमारी टीम काफ़ी अच्छी खेलती हुई आ रही है और फाइनल भी अच्छा खेलेगी और रोहित शर्मा अच्छे लय में है, तो उम्मीद करेंगे कि फाइनल में भी अच्छा प्रदर्शन करे। और रोहित शर्मा के साथ साथ सूर्य कुमार यादव भी हैं, ऋषभ पंत भी अच्छा खेल दिखा रहे हैं फाइनल में। अच्छा अब विराट कोहली का बल्ला अभी तक नहीं चला है पूरे टूर्नामेंट में, शांत रहा, क्या लगता है फाइनल में क्या कुछ होगा, उम्मीदें हैं? उम्मीद है क्योंकि वो बड़े प्लेयर हैं और बड़े मंच पे हमेशा अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे और उम्मीद है कि वो फाइनल में जरूर से जरूर खेलेंगे। अच्छा अच्छा क्या लगता है सर आपको क्या कुछ उम्मीद है इस बार टीम से? टीम से उम्मीद है कि जिस तरह से परफॉर्मेंस करते आए हैं फाइनल मैच में भी ये उम्मीद है कि इंडिया बेस्ट करेगी अपना और इस बार का T20 वर्ल्ड कप अपने नाम करेगी। अच्छा 2011 के बाद कोई भी वर्ल्ड कप ट्रॉफी भारत नहीं आई, तो क्या लगता है इस बार? इस बार तो आनी निश्चित है, जिस तरह से खेल रही इंडिया इस बार आएगी। अच्छा क्या लगता है अब तक अजय रही है पूरे टूर्नामेंट में, फाइनल में क्या कुछ होने वाला है? इस बार भी जीतेंगे या कप फिर से उठाएंगे एक बार और विराट कोहली इस बार अपना बढ़िया गेम खेलेंगे। तो देखिए कुछ और नन्हे प्लेयर भी हैं, उनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? हमारा नाम दिव्यांश राज। अच्छा दिव्यांश जी, क्या लगता है क्या कुछ होने वाला है फाइनल में? फाइनल में आज भारत फिर से कमाल दिखाएगी, भारत इतिहास रचेगी दोबारा और विराट कोहली का बल्ला बोलेगा इस बार। किससे बेहतर उम्मीद है आपको? हमको रोहित शर्मा और विराट कोहली। बॉलिंग में? बॉलिंग में बुमराह। बुमराह बुमराह के अलावा और कोई? हर्षदीप जडेजा। हर्षदीप जडेजा, कुलदीप, हार्दिक। अच्छा क्या नाम है आपका? क्या नाम है? क्या नाम है आपका? अमीर हमजा। क्या लगता है जिस हिसाब से भारत अब तक खेलती आई है, अभी एक भी मैच नहीं हारी इस पूरा टूर्नामेंट में और फाइनल में पहुंच चुकी है, फाइनल में साउथ अफ्रीका से उसका भिड़ंत होने वाला, क्या लगता है क्या कुछ उम्मीदें हैं? देखिए मैं तो सबसे पहली बात, मैं इंडियन हूँ इस हिसाब से बता सकता हूँ, लेकिन उम्मीद साउथ अफ्रीका की लगी क्योंकि इसके पहले कि हमें सेमीफाइनल में देखा अफगानिस्तान को चोकर्स कहा जाता है, क्या लगता है इसमें चोक करेगी या फिर से कोई? मतलब जिस हिसाब से देखा जाए सेमीफाइनल में अफगानिस्तान को 50 पे ऑल आउट की है और बाकी पता नहीं। क्या लगता है आपको? सर इंडिया जीतेगी ऑफ कोर्स, इतनी अच्छा करते ये खेलते आ रही है सब प्लेयर्स फॉर्म में, तो इंडिया जीतनी चाहिए बेहतर प्रदर्शन में। इस समय रोहित का बल्ला लगातार चल रहा है, लास्ट मैच में भी रोहित ने दमदार पारी खेली थी, क्या लगता है कोहली का बल्ला क्यों नहीं चल पा रहा? बस टीम को अच्छी स्टार्ट की जरूरत है, कोहली और रोहित टीम नहीं है ना ही तो बुमराह और कुलदीप टीम है, अच्छा प्लेयर सब करके तभी अच्छा लगेगा। बस टीम को अच्छी स्टार्ट मिलेगी तो सबको, बॉलर को भी अच्छा परफॉर्मेंस मिलेगा, उन लोगों को ये कॉन्फिडेंस मिलेगा कि बहुत ज़्यादा रन है तो सही सही बॉल डाल सकते हैं वो लोग। क्या लगता है आपको क्या होने वाला है आज मैच में? जीत जाएगी इंडिया। इंडिया जीत जाएगी। कैसे बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद है? रोहित शर्मा। हाँ अच्छा कोहली का बल्ला भी शांत रहा है पूरे टूर्नामेंट में, क्या लगता है इस बार क्या होगा?
चलना चाहिए मैच में, पर शायद नहीं चले। आउट ऑफ फॉर्म चल रहे हैं अभी, तो रोहित शर्मा लीड कर रहे हैं अभी टीम को। तो कुछ लग रहा है आपको कि कुछ बदलाव होनी चाहिए? नहीं, टीम अच्छी है। टीम अच्छी है, वही सेम जैसे सारे प्लेयर जितने हैं वही होनी चाहिए ना। क्या लगता है आपको, नन्हे क्रिकेटर आप मैच वैच खेलते हैं, मैच देखते भी हैं, फेवरेट प्लेयर कौन सा है आपका? एम एस धोनी। अच्छा, क्या लगता है इस टूर्नामेंट में, भारत अभी तक वर्ल्ड कप में अभी तक एक मैच भी नहीं आ रही है, आज फाइनल है, फाइनल में क्या लगता है कौन जीत रहा है? भारत। ऑफ कोर्स भारत। किससे बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद है आपको? रोहित शर्मा। और उसके अलावा और कौन लगता है कि ये बेहतर कर सकता है या ये नहीं कर सकता? हार्दिक पांड्या से भी उम्मीदें हैं। हाँ, कमाल करेंगे हार्दिक पांड्या। हाँ, तो देखिए धन्य क्रिकेटर थे, कुछ बड़े लोग भी थे हमारी, उनसे बात हुई। यहाँ ये आपका क्या नाम है? उत्कर्ष मौर्य। क्या लगता है, क्या होने वाला है? ये लगता है कि विराट कोहली सेंचुरी मारेंगे। विराट सीधा सेंचुरी मारेंगे। हाँ। अब तक विराट का बल्ला शांत रहा है, बड़े प्लेयर मैचों के प्लेयर कहे जाते हैं विराट, तो क्या लगता है फाइनल में आज शतक ही मार देंगे? शतक ही मारेंगे, विराट कोहली फाइनल में ही शतक मारेंगे। अच्छा, साउथ अफ्रीका टक्कर कर देगी? नहीं, इंडिया के सामने पूरी टक्कर नहीं दे पाएगी साउथ अफ्रीका। एकदम साउथ अफ्रीका को एकदम टक्कर ही नहीं दे पाएगी। अच्छा, मतलब आज भारत एकदम जीतता है। ट्रॉफी इस बार भारत आने वाली है, क्योंकि 11 के बाद 2011 के बाद अभी तक कोई वर्ल्ड कप ट्रॉफी नहीं आई है। नहीं है। चलिए, तो आप हंस रहे हैं काफी। यस सर, तो पहले से ही पता है कि इंडिया जीतेगी, तो वही उसका। अच्छा, अभी से ही खुशी आप मना रहे हैं? यस सर। तो देखिए, तमाम जो यहाँ पर धन्य क्रिकेटर थे और कुछ लोग थे, हमारी बात हुई तो सबका यही कहना, हालांकि जोश तो लोगों का हाई है, क्योंकि भारत में क्रिकेट एक इमोशन है और इस इमोशन को सारे भारतीय जीते हैं, और भारत और साउथ अफ्रीका का फाइनल मैच अब देखने वाली बात होगी, भारत का कैसा प्रदर्शन रहेगा, कौन मैन ऑफ द मैच बनेगा, कौन बॉलिंग में अपना जलवा बिखेरेगा, किसके बल्ले से दमदार रन निकलेगा, ये तो देखने वाली बात होगी। वाराणसी से श्रेष्ठ यूपी के लिए सत्येंद्र कुमार नंदा। यूपी की हर खबर देखने और उनसे अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल श्रेष्ठ यूपी को सब्सक्राइब और लाइक करें, साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे।